दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है। जिंदगी में धन खोना उतना बुरा नहीं है जितना कि सच्चाई और ईमानदारी खोना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेकिन इंडिया पर। मैं हूँ गीता राणा। एक बार एक किसान एक दुकानदार को रोज मक्खन दिया करता था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि क्यों ना मक्खन को तौल कर देखा जाए कि जितना पैसा मैं इसको देता हूँ उतना मक्खन मुझे मिलता है या नहीं। तो जब वो मक्खन को तुलवाता है तो मक्खन कम निकलता है। तब उस किसान को सजा दिलाने के लिए वो कोर्ट में ले जाता है। कोर्ट में पहुंचकर जब जज उस किसान से पूछता है कि भाई, तुम पैसा तो पूरा लेते हो, फिर इन्हें मक्खन क्यों कम देते हो? तब वो किसान कहता है कि माई बाप, मैं आपके सभी फैसलों का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं अलग अलग बाट खरीद सकूँ। इसीलिए मेरे पास बाट नहीं है, तो मुझे कैसे पता होगा कि मैं इनको कितना मक्खन देता हूँ? तब जज कहता है, तो फिर तुम मक्खन कैसे तौलते हो? तब वो किसान जवाब देता है कि सरकार, मैं रोज इस दुकानदार की दुकान से 1 किलो आटा खरीदता हूँ और उस आटे का वजन करके ही मैं इन्हें मक्खन देता हूँ। तब जज समझ जाता है कि बात क्या है, तो वो उस आटे को तुलवाता है तो आटा वाकई में कम निकलता है। और इस तरीके से उस दुकानदार की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और जज उसे सजा दे देते हैं और उस किसान को बहुत इनाम मिलते हैं। तो दोस्तों, इस छोटी सी स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की भी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा ही एक दिन हमें ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आज की हमारी ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।